कोरोना की फिर से रफ्तार बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण 8% के पार, 24 घंटे के दौरान देश में 17,073 नए केस। देश में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के केस में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में आशंका सता रही है कि कहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार से नई लहर तो नहीं आएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखा जाए तो 24 घंटे के दौरान देश में 17,073 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से देश में 24 घंटों के अंदर 21 लोगों की लगातार कोरोना वायरस के केसों में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज भी अब खुलने लगे हैं। आपको बता दें, काफी तेजी से कोरोना वायरस बढ़ने के कारण अब बच्चों में वैक्सीनेशन का कार्य तेज कर दिया गया है। और साथ ही साथ सभी को सहूलियत दी जा रही है कि जितने भी बच्चे स्कूल या कॉलेज जाएं तो उनको मास्क लगाकर और सैनिटाइजर लगाकर ही उनको जाने दें। साथ ही साथ आने वाले दिनों में तेज वायरस की गति होने के कारण स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी काफ़ी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कोरोना की गति काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज फिर से बंद किए जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपडेट आती हुई